हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमए 150 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल एकेडमिक टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में, कि इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज के आने के बहुत से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ दी कंट्रीज, तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज के बारे में। इसका पार्ट वन हम कल बना चुके हैं, आज की वीडियो में हम इसके पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है, होलैंड इज़ आल्सो नोन एज, होलैंड का दूसरा नाम पूछा गया है, तो ये इसको नेदरलैंड्स भी कहा जाता है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ रशिया, अब यहाँ पर रशिया का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉस्को, और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर इज सोमालिया लोकेटेड, सोमालिया की लोकेशन पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अफ्रीका, यानी कि सोमालिया अफ्रीका में लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का कैपिटल पूछा गया है, तो ये आप सबको पता ही होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रियाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्विट्ज़रलैंड इज लोकेटेड इन, स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेंट्रल यूरोप, यानी कि सेंट्रल यूरोप में स्विट्ज़रलैंड लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खार्तूम इज़ द कैपिटल ऑफ, खार्तूम किस चीज़ का कैपिटल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सूडान, यानी कि ये सूडान का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योगोस्लेविया इज सिचुएटेड इन, योगोस्लेविया कहाँ पर सिचुएट करता है, तो ये साउदर्न यूरोप में सिचुएट करता है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अबू धाबी, यानी कि अबू धाबी ही यूएई का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टर्की इज सिचुएटेड इन, तुर्की कहाँ पर सिचुएट करती है, तो ये एशिया और यूरोप इन दोनों में सिचुएट करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वट इज़ वेस्ट इंडीज़, अब यहाँ पर पूछा गया कि वेस्ट इंडीज़ क्या है, तो ये सम ऑफ आइलैंड्स है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ तुर्की इज़, अब यहाँ पर तुर्की का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो कैपिटल है वो है अंकारा और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंपाला, यानी कि कंपाला ही युगांडा का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ क्वेत, अब क्वेत का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो कैपिटल है वो है क्वेत सिटी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़, अब मलेशिया का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कुआला लंपर, यानी कि यही मलेशिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ यूएसए, अब यूएसए का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉशिंगटन, और ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ स्पेन इज़, अब यहाँ पर स्पेन का कैपिटल पूछा गया है कि स्पेन का कैपिटल क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मद्रिद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ इटली इज़, इटली का कैपिटल क्या है, तो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया है, तो ये है कनबेरा,
अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कैनबेरा को ऑस्ट्रिया का कैपिटल पन लगा देते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ बुल्गेरिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोफिया, यानी कि सोफिया ही बुल्गेरिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ चाइना इज़, अब चाइना के कैपिटल पूछा गया है तो ये आप सबको पता ही होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीजिंग, और ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो यहीं पर हर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू गाइज़।